funny. उसका मन से झागने के लिए शुरू हो गई है, उसे इतना गुस्सा आ रहा है कि हम उसकी प्राप्ति के अंदर दाखिल हो गए। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ जी खैर वाफिये से होंगे। तो दोस्तों को जिस तरह के पता है कि आपका भाई आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेके हाजिर होता है, और आज मैं आया हूँ यार अपने दोस्त के पास। तो बड़ी एक रेयर ब्रीड थी, मैंने कहा दोस्तों को इसका शौक करवाना है। ये अरसा कुछ साल डेढ़ दो साल पहले मैं देख के गया था, फिर मैं इसके पास पहुंचा हूँ। तो कमेंट्स करके आपने बताना है ये क्या चीज है। ये मिक्स ब्रीड है और इतना अग्रेसिव है। आगे 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 दिखाएं जरा, इतना अग्रेसिव है कि छोड़ दे बस। और यहीं पे मैं पहले से देख के गया था, तो मैंने सोचा कि आज दोस्तों के साथ इसका लाजमी इसकी अपना जो है वीडियो जो है आज शेयर करते हैं, ताकि नए दोस्त जो शौकीन हैं उनको पता चले ये कैसी ब्रीड है। वीडियो के एंड में मैं आपको इसकी जनाब ब्रीड भी बताता हूँ, ठीक है, और इसकी एज भी पूछता हूँ भाई से कि इसकी उम्र कितनी हो गई है, और इसकी को आगे ब्रीड चली है या नहीं चली। बहरहाल ये देखिए कितना अग्रेसिव है। उसका मन से झागने के लिए शुरू हो गई है, उसे इतना गुस्सा आ रहा है कि हम उसकी प्राप्ति के अंदर दाखिल हो गए। अभी इसे थोड़ा सा दोस्तों ठंडा करते हैं, फिर आपको बताता हूँ इसके बारे में तसल्ली से, क्योंकि जितना इसने शोर करना है आपको व्लॉग में जो है किसी किस्म का मजा नहीं आना। बहरहाल मजा इसका यह था कि इसकी जो जितना अग्रेसिव पन है वो आपको मैंने दिखाना था। अभी मैं चलता हूँ और आपको इसको अच्छा से शौक करवाता हूँ, और मैं बताता हूँ इसकी जनाब आपको ब्रीड भी एंड पे वीडियो पे, और सबसे पहले आपको एज बताता हूँ। आप हैरान रह जाएंगे कि यार इतनी एज में इतना परफेक्ट गार्ड डॉग कैसे है, ये कौन सी ब्रीड का कॉम्बिनेशन है, ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ये सस्पेंस है। और उससे पहले अगर आप दोस्तों को अंदाजा था तो फौरी से कमेंट कर दें, ठीक है, पता चल जाएगा कि दोस्तों को क्या तजर्बा है। और मैंने जब ये फर्स्ट टाइम देखा था तो मैंने भाई को बता दिया था कि भाई जान ये कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, इस ब्रीड का किसके साथ है ये आप बताएं। फिर उन्होंने मुझे बताया था कि ये फलानी फलानी ब्रीड का जो मिक्सचर है, तो अभी वो अंदर चला गया, थोड़ी सी रेस्ट करेगा, तो आए फिर मैं आपको दिखाता हूँ जी। आ जाए जरा मन कर दिए, ये देखें निकल आया ये बाहर। इस वक्त इसकी जो एक्चुअल एज है दोस्तों, जो सही इसकी उम्र है, ये हो चुकी है जी इसकी अपना 7 साल का ये हो गया। तकरीबन लगभग 2 साल पहले मैंने इसे यहाँ पे देखा था, जब ये तकरीबन 5 साल का होगा। और इसकी हाइट लेंथ से आप अंदाजा लगा लें, कमो पेश 28-29-30 इंच के अराउंड इसकी हाइट होगी, क्योंकि ये जहाँ पे खड़ा हुआ है ये देखें, यहाँ पे ईंटे हैं, अंदर वाली जगह जो है वो नीचे है, ये जगह ऊपर है, तो यानी काफी इसका फर्क है। जो जगह ये खड़ा है ये डाउन है, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये मेरी जगह जो है ऊंची से ऊंची है, लगभग कम पेश इसकी जो है हाइट 30 इंच के करीब डेफिनेटली हो गया। और जालिम देख ले कितना है कि यार छोड़ दें क्या, मजा आ गया डॉग देख के, दिल खुश हो गया दोस्तों। अरे हाय हाय, कहीं से चाली टूटी नहीं और इसने हमारा राह ले दे जाना है। बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव, यकीन करेगा मजा आ गया, दिल खुश हो गया आज वीडियो बना के, ना के यार वाकई इस तरह का डॉग होना चाहिए जो एक बंदे के अलावा दूसरे बंदे को कहे कि भाई जी मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानता, ठीक है। तो ये देखें जी इतना ज्यादा अग्रेसिव है ये कि इसे सिर्फ इसके मालिक के अलावा कोई बंदा नहीं पकड़ सकता। चेक करें दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा, पर मुझे इसको छेड़ने में बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि मैं जाती तौर पर खुद पसंद करता हूँ दलेर ब्रीडों को जिसके अंदर दलेरी हो। ये देखें ये बता रहा है अपना आप, ठीक है, ये जाहिर कर रहा है अपना आप कि मैं किसी नस्ली खून से हूँ। चेक करें जनाब, आई होप मेरे दोस्तों को भी पसंद आ रहा होगा डॉग ये, तो कमेंट करके बताए। उसने मेरे हाथ पे अटैक कर दिया जी, ठीक है। तो ये देखें जनाब, और भाई से थोड़ा सा पूछता हूँ कि दूसरे डॉग्स के साथ इसका जो टेम्परामेंट है वो कैसा है। अभी देखिए थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। अच्छा लाला, ये अपना दूसरे जानवरों का बिहेवियर कैसा वा? नहीं यानी कोई कुत्ता कुत्ती कोई बच्चा फड़ लेंदा उन्होंने भी, माफी किसे नहीं दिंदा? एक बिल्ली। हाँ केड़ी चीज़ है? बिल्ली तो चूचे नहीं पेंदा। हाँ। बिल्ली दे बिल्ली।
बिल्ली तो मुर्गी तो नहीं पहनता, एक कैसा कुत्ता है बिल्ली नहीं पहनता यार। इट कुत्ते का वैर है, यानी बंदा जो किसी वारा कुत्ते देखता इट चक के मारता और ओही वैर पाया जाता है वह डॉग्स का कैट्स का, यानी कितने भी देख लो चाहे बच्चा छोटा वड्डा वो बिल्ली का हमला जरूर करते हैं। हैरानगी वाली गल है एडा अग्रेसिव डॉग है कि अपने केज नूं हथ नहीं लाउण दिंदा, भाई दस रहा कि बिल्ली उहदी केज दे अंदर आ के उत्थों दी खुराक खांदी नाल, बिल्कुल उहदे कह लो कि इकट्ठे रहिंदे ने। शुरू तो कहिंदे दो चार बिल्लियां इत्थे रहिंदियां सी उहनां नाल, बाय नेचर ऐसा हो गया। और मुर्गियां नूं कुछ नहीं कहिंदा, आ वेखियो जरा, आ सिर्फ तुसीं चैक करवाउण लगा तुहानूं, यानी अपने किसी केज नूं हथ नहीं लाउण दिंदा ते गैर मुतलका बंदे नूं अपनी प्रॉपर्टी च नहीं आउण दिंदा यार। ऐसा कोई जालम किस्म का डॉग है, बड़ा मैंने तो बड़ा पसंद है। मैं जाते और जाती तौर पर जैनवन गल दसा, क्योंकि जानवर च दलेरी बड़ी है और तुम दसदा जावा ये दलेरी किस ब्रीड के निकली है। तो यह जनाब पाकिस्तानी बुली और गद्दी ब्रीड, जिन्होंने अफगान कुची भी कहने, बकरवाल भी कहने, एक गद्दी ब्रीड जी अफगानी कुत्ते उनका बुली पाकिस्तानी का मिक्सचर हैगा, ठीक है। एक होंगे बकरवाल कश्मीरी छोटे, ये नहीं अफगान कुची जे वे कदा के कुत्ते होंगे है, उनका पाकिस्तानी बोली का मिक्सचर आ। और 7 साल इनकी उम्र हो चुकी है, ये अपने शहर फैसलाबाद अपने नाल इतने पिंड हटवा दोस्त अपने भरा ने उन्होंने को जनाब खड़ा जे। तो मैं क्या दोस्तों ने भी शौक करवावा कि वेखो जो तुम ब्रीडिंग करवाना चाहते हो इस परपज वास्ते कि तुम एज ए सिक्योरिटी गार्ड रखो और लार्ज ब्रीड की तरफ जावो, तो एनवायरमेंट न इन्ना क सूट करता कि 7 साल इन मैं कहना इतने हो गया, इन धुप छां दरखत लगे हुए देखो कि देसी माहौल दे विच आ, कोई इन एक्सट्रा केयर की लड़ नहीं, कोई इन वास्ते कूलर का इंतजाम नहीं, कोई एक्सट्राना नहीं कि भाई सवेर शाम नुआओ फिर राखी करेगा, नहीं देसी ब्रीड अच्छा कंबीनेशन तैयार किया गया, एक प्रैक्टिकल थोड़िया अखा के सामने। जो तुम चाहते हो कि सिक्योरिटी वास्ते तो लार्ज ब्रीड हो, यानी कि कुछ दोस्त इदा के होंगे कि खब्बे सज्जे एरिए रेंदे या जंगलात वाली साइड से जिथे कि वो अपना लैपड़ वगैरह या भेड़िए वगैरह पाए जाते हैं, और उन्होंने चाहिए कि थोड़ी जी दलेर हो, कादावर ब्रीड हो, क्योंकि गुलटरिया ना मिक्स कराने ज्यादा फाइटिंग वाले पास चल जाते हैं। जो तो गद्दी ना मिक्स हो गया अपना अफगानिया कुचिया के नाल, फिर ये दोस्तों एक बड़ी अच्छी गार्ड ब्रीड भी बन जाती है और ये फाइटिंग भी करते हैं। आई होप के तुम्हें पसंद आया होगा जनाब पाकिस्तानी बोली और गद्दी ब्रीड का अपना कंबीनेशन। वो दोस्त जो रियल समझ गए की चीज आ कमेंट करके दसो कि ब्रीड की पहले समझ लगी सी नहीं लगी, पर बहुत ही स्वाद आ गया इसका व्लॉग बनाने वास्ते। उम्मीद है कि दोस्तों वीर भी पसंद आएगा, और जे किसी ने पहली दफा देखिए दो कमेंट करके दसो, जो किसी को ऑलरेडी है वा तो कमेंट्स करके दसो जनाब, तुम्हें तो भी शौक दोस्तों दिखाइए। चैनल सब्सक्राइब तो बैल आइकन प्रेस कर दो, दुआओं याद रखियो। तो नैक्सट व्लॉग तुम्हें पिटबुल तो दिखाने, मेरे एक वीर ने कमेंट किया कि भाई जाना मैं पिटबुल भी दिखाया, इंशाल्लाह तो नैक्सट पिटबुल चेक कराने। फिर अल्लाह हाफिज़।